तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी की है। विजय हजारे ट्रॉफी के एक मुकाबले में श्रीसंत ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ 5 विकेट झटके। वे 10 साल बाद मौजूदा सीजन से लिस्ट ए टूर्नामेंट में वापसी कर रहे हैं। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के कारण 38 साल के श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने इस सजा को घटाकर 7 साल कर दिया था। इसके बाद इसी सीजन से श्रीसंत ने क्रिकेट में वापसी की। वे 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप की चैंपियन भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने लिस्ट क्रिकेट में 15 साल बाद 5 विकेट लेने का कारनामा किया। अंतिम बार उन्होंने 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ इंदौर में हुए वनडे मैच में 55 रन देकर 6 विकेट झटके थे। विजय हजारे ट्रॉफी में सोमवार को उत्तर प्रदेश के खिलाफ इस गेंदबाज ने 9.4 ओवर में 65 रन देकर 5 विकेट लिए। श्रीसंत ने अभिषेक गोस्वामी, आकाशदीप नाथ, भुवनेश्वर कुमार, मोहसिन खान और शिवम शर्मा को आउट किया। बेंगलुरु में खेले जा रहे इस मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम पहले खेलते हुए 49.4 ओवर में 283 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीसंत ने अंतिम ओवर में 2 विकेट लिए। वे टूर्नामेंट में 2 मैच में 7 विकेट ले चुके हैं। उड़ीसा के खिलाफ पहले मैच में भी उन्होंने 2 विकेट लिए थे। बता दें 18 फरवरी को आईपीएल ऑक्शन में इस तेज गेंदबाज को किसी टीम ने नहीं खरीदा था, और अब कहीं ना कहीं श्रीसंत का इस तरह का प्रदर्शन उन सभी आईपीएल टीमों के लिए करारा जवाब है। वहीं लिस्ट ए करियर की बात की जाए तो श्रीसंत ने 88 मैचों 118 विकेट लिए हैं। इसके अलावा श्रीसंत ने आईपीएल में 44 मैचों में 40 विकेट झटके हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।